नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में रिसर्च एक मुश्किल काम है। किस हफ्ते कौन सा पैसा, किस सेक्टर, कौन से स्टॉक में लगाना है, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट अगर हमें बताए, गाइड करे, तो आसान हो जाता है ओवरऑल रास्ता। तो अगेन इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हैं समीत चवान एंजल ब्रोकिंग से, जो कि चीफ एनालिस्ट हैं टेक्निकल और डेरिवेटिव्स में। ये बताएंगे, गाइड करेंगे हमें कि इस हफ्ते हमें किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स पे नजर रखनी है, और सरकार की जो भी पॉलिसीज चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर्स ज्यादा इंपैक्ट होंगे। वेलकम अगेन समीत, हाउ आर यू? हाय असीम, देखिए लास्ट वीक भी जैसे हमारी बात हुई थी कि जो टेक्सचर है ओवरऑल मार्केट का वो अभी भी पॉजिटिव है। यस, थोड़ा बहुत हमने स्लगिशनेस देखा है मार्केट में, बट द अंडरटोन स्टिल रिमेंस बुलिश। और पूरे वीक में अगर हम देखें, रादर पूरे 2 वीक्स में अगर हम देखें, तो प्राइस एक्शन एक क्रूशल थीम्स है वो प्लेड अप हो रही है। प्रीवियसली अगर हमने देखा था कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन था, पीएसयू स्टॉक्स में भी अच्छा ट्रैक्शन था। इस वीक हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आए थे, उसके चलते उनके उनमें एक अच्छा बज आया हुआ था। रिसेंटली स्टॉक्स में हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा था। तो सिमिलर काइंड ऑफ थीम्स अच्छी मार्केट में प्ले आउट हो रही है, और वैसे ही थीम्स पे हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन में आपको ज्यादा फोकस देना है। जब मार्केट कंसोलिडेट होता है, ऐसे ही स्टॉक्स जो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास है, जंक्चर के आसपास है, उनमें अच्छा हम रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं, तो फोकस उस पे रहेगा। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी में अगर हम लेवल्स वाइज देखें तो सपोर्ट नहीं हुआ। लास्ट टाइम हमने 11700 11800 की बात की थी, सिमिलर अनएक्सपेक्टेड लाइंस ये वीक हमने देखा था। जो डिप आई है 11800 के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और वहां से थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जो 12000 12050 का सीलिंग बन गया है वो लेवल ब्रीच करेगा। अभी तक नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन कंटिन्यू है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें लगता है कि ये 12050 12100 इनफैक्ट जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत जल्दी हो सकता है, और हम अपवर्ड ट्रैजेक्टरी बहुत जल्दी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने स्लाइटली आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को, एंड द वे इट्स नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड क्रूशियल जंक्चर। सो 31,000 30,800 का पिक इमीडिएट सपोर्ट बेस मान ली है बैंक निफ्टी में, और यहाँ से हमें लगता है कि ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। So 3,500 3,800 these are the next levels to watch. Perfect. But bullish hai, definitely hai. But do you think there is some sort of indecision from a trader's point of view in any specific index? थोड़ा बहुत देखो इनडिसीजन होगा, क्योंकि जनरली एक मार्केट का टेक्सचर रहता है। When there's uncertainty in the market, the money generally shifts from rate sensitive stocks to defensive stocks. So IT, FMCG तभी हम देखते हैं कि आउटकम करते हैं। But last 2 महीनों से हमने मार्केट में स्टेबिलिटी आते हुए देखी है, तो वापस जो फोकस है वो हाई वीटा नेम्स पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम IT और FMCG में थोड़ा हम इंडिसीजन देख रहे हैं, थोड़ी ऊपर के लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये कंसोलिडेशन जब तक ये मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी, आपको IT और FMCG में थोड़ा ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते दिखे। ओके। सो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट पुश किए हैं, फॉर एग्जांपल BPCL, देन यू हैव शिपिंग कॉर्पोरेशन। डू यू थिंक इस हफ्ते वो किसी तरीके से कौन से सेक्टर में प्ले आउट करेंगे? नहीं, आई थिंक देखिए जो डिसीजन से वो चर्चा तो लास्ट 1-2 वीक से उसमें चल रही थी, और अगर आप BPCL में देखो तो लास्ट 1-1.5 महीने से ये स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया हुआ है। Correct. जिसका रब उसके पीयर को भी हमने कहीं ना कहीं दिखा है HPCL IOC में। बट जैसे एक मार्केट में फ्रेज मानी जाती है बाय ऑन इंफो न्यूज, सो हमने कल एक BPCL में एक अच्छा करेक्शन देखा था 5-6% का ऊपर के लेवल से। तो जनरली ये जो सेइंग है उसको वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। कल हमने क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे ही जो अनाउंसमेंट अगर आगे जाके आते हैं, प्रॉब्ली जो ऑटो सेक्टर्स के लिए एक एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं, तो अगर वैसा है तो वापस एक मार्केट के लिए एक मोरल बूस्टर है। ओके। एनीथिंग अबाउट टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे अगेन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिले द स्पेक्ट्रम पेमेंट फॉर एयरटेल, वोडाफोन और जियो? सी, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन देयर रिफॉर्म्स और अनाउंसमेंट, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो दो ही मेजर प्लेयर्स रहे टेलीकॉम में। रिलायंस इंडस्ट्री जो एक स्टेलर रन अभी भी कंटिन्यू है लास्ट 2-3 सालों से, जब से ये जियो का उसने लॉन्च किया हुआ है,
वहां से जो एक रन स्टार्ट हुआ है, बुलरन स्टार्ट हुआ है, स्टिल देयर हैज बीन मोस्ट टॉपिंग। भारतीय एयरटेल जो काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, उसने कहीं ना कहीं लास्ट एक दो वीक्स में साइन ऑफ रिवाइवल दिखा है। उसमें ऑलरेडी एक मैसिव बम्प अप दिखा है लास्ट वीक, एक स्ट्रॉन्ग मूव आई हुई है, और थोड़ा एक दो दिनों से कंसोलिडेशन वापस प्रॉफिट बुकिंग। बट हमें लगता है कि विद इन दिस स्पेस ये दो स्टॉक्स अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर आपको कोई स्टॉक देखना है तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी फेवरेबल लग रहा है, जिसमें आप 400-380 का एक सपोर्ट मान के चलिए, जो डिप आ रही है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी देख सकते हैं। फ्रॉम हियर ऑन वी वुड एक्सपेक्ट डिसेंट अप मूव इन भारतीय एयरटेल। परफेक्ट। No, I think favorable stocks पे ज़्यादा focus करेंगे। यहाँ पे हमने pharma stocks के बारे में last week भी बात की थी और हमें लग रहा था उनमें एक अच्छा buying interest ला सकता है। तो जो anticipation था, it has turned into a confirmation now, reality. So pharma space में यहाँ से will not be surprised to see pharma index rallying nearly 8-10%। तो आप individual stocks में देखिए वो rally beta wise ज़्यादा हो सकती है। हमने नेम्स हाईलाइट किए हुए थे जिसमें लुपिन, सिप्ला और कैडिला थे, उन्होंने ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 5-6% ऑलरेडी ये मूव है। बट स्टिल हमें लगता है क्योंकि ये काफी ज्यादा एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर 3 सालों से रहा था, तो इसमें जो रिलीफ मूव आएगी वो थोड़ी शार्प होगी। सो ओवर द नेक्स्ट 1 वीक हमें लगता है कि ये जो लुपिन, कैडिला हेल्थ केयर और एक विद मिड कैप स्पेस स्ट्राइड फार्मा, इसने एक अच्छा बज आया हुआ है। अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखो तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ चुके, तो ये 3 स्टॉक फोकस कीजिए। हमें लगता है आने वाले वीक्स में आपको इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज रिटर्न मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारा फोकस अभी भी ऑटो स्टॉक्स पे रहेगा, जो थोड़ा एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन में आप लो लेवल्स पे वापस बाइंग आएंगी। और मारुति जो एक 7600 से अभी करेक्ट हुआ है, वापस एक साइकोलॉजिकल जंक्चर के आसपास आया हुआ है, तो 7000 बस अच्छा एक मारुति को सपोर्ट जैसे उस पर आप फोकस कीजिए, यहाँ से अच्छा मिल सकता है। और अगेन एक कॉन्ट्रा बेट रहेगा मेटल, जो इस वीक उसने परफॉर्म नहीं किया एज पर आर एक्सपेक्टेशन, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें लगता है कि मेटल स्पेस में भी आपको लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी दिख सकती है। इसमें प्रेफर्ड पिक भी हमारा टाटा स्टील रहेगा और जिंदा स्टील। ओके, और एनीथिंग दैट यू वांट द ट्रेडर्स टू स्टे अवे फ्रॉम, कोई भी सेक्टर, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक सेट? See, as I've just highlighted कि निफ्टी और FMCG ये स्टॉक्स में हमें देख रहा है कि थोड़ा बहुत अभी मोमेंटम है, वो अभी मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फिलहाल IT स्टॉक्स और FMCG स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो आपको हाई बीटा काउंटर्स में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसके लिए फोकस को अभी FMCG और IT से शिफ्ट करके रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर। Thank you so much for all this knowledge and thank you so much Sameet for joining us today again. We'll see you next week very soon. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है इसकी डायरेक्शन आपको मिल गई है। अब आप अपना एनालिसिस कैरी आउट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा आपको कौन से स्टॉक में लगाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।